डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जा रहे हैं शुरू करने, और उसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कुछ बिल्कुल अलग जैसा नहीं है, बल्कि जो हमने वेक्टर फील्ड में, वेक्टर कैलकुलस में जो हमने बताया था लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, उसी का ये एक पार्ट है जो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, अब इसको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, ये जो है लाइन इंटीग्रल की आज हम बात करेंगे, इसमें क्या लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे। अब ये लाइन इंटीग्रल में, ठीक है ना, आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट जानना है कि लाइन इंटीग्रल, दैट मीन्स जो सिंपल इंटीग्रल होता है ना दोस्त, ये हम बता चुके हैं कि सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है। डबल इंटीग्रेशन हो गया तो सरफेस इंटीग्रल हो गया, और ट्रिपल हो गया तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ये क्लियर है। ठीक है, दैट मीन्स कि सिंगल में सिर्फ एक वेरिएबल होगा एक्स, इसमें एक्स और वाई दोनों होगा, और इसमें जो है एक्स वाई और जेड तीनों होगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, तो ये बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है, लेकिन जो है अब देखिए, कोई भी एक पॉइंट है, कोई एक लाइन है, मान लीजिए इस लाइन की शुरुआत आपने किया कहाँ से, पीनट से। कोई पॉइंट है पीनट इक्वल टू ए, ये कोई आपका पी वन है, ये कोई आपका पी टू है, इस तरह से जाते जाते ये पॉइंट आ गया आपका पी एन इक्वल टू बी पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स आए, ठीक है ना, जो पॉइंट्स आए, अब जैसा कि हमको मालूम है कि जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जब डब्ल्यू प्लेन में जाते हैं तो यही क्या हो जाता है, यू प्लस आई भी, जहाँ पर यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, और आई और भी जो है आपका क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। अरे बात समझ में, दैट मीन्स कि ये जेड प्लेन और ये यू भी प्लेन, दैट मीन्स कि डब्ल्यू इक्वल टू जो है एफ ऑफ जेड ही, यही जो है आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक ना, ये एफ ऑफ जेड जो है यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपके सामने है। तब जब हम एक रिलेशन निकालते हैं, वह रिलेशन होता है कि यदि कर्व, ये आपका कौन सा कर्व है, सी है, और नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको यदि डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स दिस कर्व इज बीइंग डिवाइडेड इनटू एन नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है ना, तो किसी भी एक पॉइंट पर जब आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी क्या, पीनट ऑफ जेनट, ठीक है ना, उसी तरह से ए वन का जो आएगा पी वन ऑफ जेड वन, ठीक है ना, पी टू ऑफ जेड टू जो अभी हमने आपको बताया, एंड सो ऑन पी एन ऑफ जेड एन, और लास्ट में जो पी एन ऑफ जेड एन आएगा उसकी वैल्यू क्या हमने लिखा है, बी आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा जेड आई जो है आपका क्या है, जेड आई माइनस वन है, ठीक है ना, डिफरेंस, ठीक है ना, और आप मान लीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन जो है आपका साई आई जो है, या चाई आई भी बोलते हैं, बी एनी पॉइंट ऑन आर्क, बी एनी पॉइंट ऑन आर्क, और कौन से आर्क पर, पी आई माइनस वन टू पी आई, माने एक पीछे से लेकर एक आगे तक, जैसे पी वन से पी टू। अब इसका लिमिट यदि हम निकालते हैं, लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ ये जो है आपका जो है आई डेल्टा जेड आई, ठीक ना, और ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक, आई टू आई इक्वल टू वन से एन तक जाएगा, और ये आपका सम निकलेगा, ठीक ना, सारे पॉइंट्स को यदि ऐड करेंगे तो, और यहाँ पर जो है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि पॉइंट की बात है ना, तो किसी लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं, एन थोड़ी होंगे, वो तो इन्फिनाइट भी हो सकता है,
ठीक ना, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन सच ए वे दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एनी कॉर्ड डेल्टा जेड आई जो हमने लिया है दैट अप्रोचेज इज जीरो देन इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड टेकन अलोंग द पाथ गिवन पाथ सी। ठीक ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इन सच ए वे दैट, बस इतना सा ही इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी तो अब निकालेंगे। इन सच दैट, इन सच दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है, ये डेल्टा जेड आई, डेल्टा जेड आई, और डेल्टा जेड आई अभी हम कहीं बताए हैं ये शॉर्ट लेंथ है। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का किसी भी दो के बीच का शॉर्ट लेंथ है डेल्टा जेड आई। एंड दिस अप्रोचेज टू जीरो, अप्रोचेज टू जीरो इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड टेकन अलोंग दी पाथ सी। ठीक ना, दैट इज क्या हो गया ये, कोई भी कर्व के लिए एफ ऑफ जेड डी जेड इज बेसिकली लाइन इंटीग्रल, यही जो है आपका क्या हो गया लाइन इंटीग्रल। ठीक ना, राइटिंग दैट मीन्स यू कैन राइट हियर डब्ल्यू इक्वल टू ठीक ना एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई और प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, ये हमने बताया था। तो जब हम यहाँ पर डी जेड निकालते हैं तो क्या हो जाता है डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, ठीक है ना, प्लस आई और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ठीक है ना, और दोनों कर्व सी के लिए ही हैं। ये आपका एक्चुअल इंटीग्रेशन निकला यू डी एक्स ये रियल पार्ट को एक जगह लिए हैं और ये इमेजिनरी पार्ट को एक जगह लिए हैं। ठीक ना, तो यू डी एक्स ये भी है, ध्यान रखिएगा यू डी एक्स और वी डी एक्स आएगा तो वी डी एक्स इमेजिनरी के साथ और यू डी वाई इमेजिनरी और वी डी वाई रियल पार्ट ये यहाँ पर। दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द इवेल्युएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी रिड्यूस टू द इवेल्युएशन ऑफ टू लाइन इंटीग्रल ऑफ रियल वेरिएबल, मतलब इसको आप कर लें सेपरेट और इसको सेपरेट कर लें। इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करके आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये सामने ही रहेगा आपके। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, कि प्रूफ दैट ये बोल रहा है या एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इवेलुएट क्या बोल रहा है, इवेलुएट जीरो से टू प्लस आई और इधर जेड बार का स्क्वायर डी जेड। ठीक है ना, डी जेड अलोंग ठीक है ना अब यहाँ पर दो कंडीशन है, अलोंग दी लाइन y इक्वल टू एक्स बाई टू है और दूसरा कंडीशन में यह है कि द रियल एक्सिस टू टू एंड देन वर्टिकली टू टू प्लस आई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारा ये गिवन इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग यदि हम एक्स वाई पे हम खींचते हैं एक्स वाई लाइन पर तो ये क्या हो जाएगा एक्स और ये क्या हो गया वाई।
ये वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन है या नहीं, ये वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन है। और ये जो है द रियल एक्सिस टू एंड देन वर्टिकली टू प्लस आई, दैट मीन्स कि ये इधर जो है कहाँ तक जा रहा है, टू और वन तक, और इधर आपका एक्स इक्वल टू टू और जीरो, मतलब यहाँ रियल नंबर क्या है जीरो, और ये इक्वेशन किसका बनेगा टू वाई का, और इधर एक्स इक्वल टू क्या है टू, और वाई इक्वल टू इस पॉइंट पर क्या है वन, ठीक ना, और यही पॉइंट ए है। ध्यान से समझिएगा इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ अलोंग द लाइन ओ ए, ठीक ना, अलोंग द लाइन ओ ए क्या है आपका एक्स इक्वल टू क्या है टू वाई, और जेड इक्वल टू आप लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका, जेड इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टू प्लस आई इंटू वाई, और यही जेड बार लिख देंगे क्या हो जाएगा टू माइनस आई इंटू वाई, और इसको आप डी जेड लिखेंगे इस वाले को डी जेड, तो क्या हो जाएगा टू प्लस आई डी वाई, ठीक ना। अब इंटीग्रेशन निकाल दें, ठीक ना, इंटीग्रेशन निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू प्लस आई और जेड बार यही दिया हुआ है ना यहाँ पर, जीरो से टू आई जेड बार स्क्वायर डी जेड, जेड बार का स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जीरो से वन, और इधर टू माइनस क्या था आई, सामने है आपके टू माइनस आई का, और इधर वाई ये स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी जेड, डी जेड का क्या है टू प्लस आई डी वाई, ठीक ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आप तोड़ेंगे यदि रफ में करके थोड़ा दिखाएं, टू माइनस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर प्लस माइनस टू टू फोर आई, और प्लस आई स्क्वायर तो माइनस वन हो जाएगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा टू प्लस आई, ठीक है, फोर माइनस वन थ्री माइनस फोर आई, और इधर क्या आ जाएगा टू प्लस आई थ्री टू जा सिक्स माइनस एट आई, और प्लस थ्री आई, और माइनस, अब देखिए माइनस फोर आई, तो फोर आई स्क्वायर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस फोर, तो ये टेन माइनस फाइव आई। अब अभी यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे फाइव कॉमन चले जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए फाइव कॉमन ले लिए तो फाइव और टू माइनस आई वाई स्क्वायर डी वाई, दैट मीन्स कि फाइव और ये टू माइनस आई, और क्या हो जाएगा वाई क्यूब आई थ्री, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जीरो टू वन, दैट मीन्स कि फाइव बाई थ्री टू माइनस आई, सिंपल सा ये एक निकल गया। दूसरा क्या था, ये तो ये वाला था एक्स बाई टू वाला, दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू टू वाई वाला था ना, यही लिए थे ना एक्स इक्वल टू टू वाई। अब क्या था रियल एक्सिस टू टू एंड टू प्लस आई, टू से टू प्लस आई, तो टू और टू प्लस आई तक जा रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स कि आई इक्वल टू ये ओ बी, ओ से बी, ये बी पॉइंट है ओ से बी, और ये क्या हो रहा है जेड बार का स्क्वायर डी जेड प्लस ये क्या है बी से ए, ओ से बी, बी से तभी तो इस पॉइंट पे जाएंगे, बी से ए और जेड बार का स्क्वायर डी जेड, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक ना, अलोंग द जेड अलोंग, चलिए सॉरी अलोंग ओ बी, ओ बी के अलोंग जो है क्या लिख सकते हैं, अलोंग ओ बी क्या लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स और जेड बार इक्वल टू एक्स और डी जेड इक्वल टू एक्स, एक साथ सब लिख सकते हैं। और अलोंग बी ए, बी ए की बात करेंगे तो
एलोंग बी ए, एलोंग बी ए यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू टू प्लस आई वाई गिवेन है, टू प्लस आई और वाई आ गया, जेड बार इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टू माइनस आई वाई, और डी जेड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आई इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए तो जीरो से टू, जीरो से टू और इधर एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए जेड बार एक्स है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी ए के अलॉन्ग, बी ए के अलॉन्ग क्या है टू माइनस आई वाई जेड बार, तो यही है ना टू माइनस आई वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आई डी वाई डी जेड का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा जीरो टू वन, यही क्या है ना जीरो से वन वाई के अलॉन्ग, तो क्या हो गया ये एक्स क्यू वाई थ्री जीरो टू टू प्लस ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको ब्रेक करेंगे ये क्या हो जाएगा फोर और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो ये माइनस वन हमने ले लिया है, और फोर आई वाई, ठीक है ना, क्या डी वाई और आई इधर भी एक जा रहा है तो आई एक यहाँ रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर जीरो टू वन इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया एट बाई थ्री और प्लस अभी इसका ये वन डी वाई, ठीक ना, जीरो से जीरो टू वन आई, तो क्या हो जाएगा फोर डी वाई, ठीक ना, और फोर इंटू ये फोर वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये आई कहीं रखना पड़ेगा, आई कहाँ रखें हम, आई यहीं रखते हैं, चलिए ठीक ना, फोर और यहाँ पर माइनस वाई क्यू, तो वाई क्यू मतलब क्या वाई क्यू अपन थ्री, तो वाई क्यू अपन थ्री मतलब वन बाई थ्री कर दें सिंपल, और यहाँ पर फोर आई और वाई स्क्वायर बाई टू मतलब वन बाई टू, इस आई को अंदर ले जाएं क्या हो जाएगा एट बाई थ्री प्लस फोर आई माइनस आई बाई थ्री, आई आई मतलब आई स्क्वायर माइनस वन तो प्लस फोर वन बाई टू तो वन बाई टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर वन बाई थ्री एज ए कॉमन और इधर 14 प्लस 11 आई, ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल मैंने शुरू में ही बताया था कि ये वेक्टर कैलकुलस में जो पढ़े थे उसी का एक रूप है, ठीक है ना, फिर हमने ये बताया कि किस तरह से लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, ये लाइन इंटीग्रल निकाल करके बताए थे कि जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन का निकालते हैं तो ये डबल रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के साथ आता है, और इसका भी जो ऑर्डिनरी कैलकुलस है उसी के फॉर्मेट में आ रहा है आप ध्यान देंगे तो, फिर ये आपका ब्रेक होते गया, ठीक है ना, और होते होते ये एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिया। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी and keep smiling once again. Thank you very much.